नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जनता को पटाने की जद्दोजहद में लग गई हैं। जगह जगह चुनाव प्रचार हो रहे हैं, ऐसे में हमारी टीम भी उतर गई है सरकार के 4.5 सालों का लेखा जोखा करने के लिए। हमारी टीम ENN भारत ने पार्टीगत रुझान को जानने के लिए सर्वेक्षण किया है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव में 10 से 12 लोगों से बात की गई है। अभी तक हम राजस्थान की लगभग 99 विधानसभाओं का सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर्वेक्षण में जाकर देख सकते हैं। सर्वेक्षण की इसी कड़ी में आज की हमारी विधानसभा है अजमेर साउथ विधानसभा। हमारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इस विधानसभा की 51.88% जनता बीजेपी को और 38.06% जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। यानी कि जनता के समर्थन के हिसाब से इस विधानसभा में वर्तमान बीजेपी विधायक अनीता भदेल कांग्रेस से आगे चल रही हैं। चलिए अब जनता के इसी समर्थन को पोलिंग सेंटर्स में बांट के देखते हैं। सेफ यानी कि A+ ग्रेड में बीजेपी के 6, कांग्रेस के 0 और अन्य के 5 पोलिंग सेंटर्स हैं। विनिंग यानी कि ए ग्रेड में बीजेपी के 11, कांग्रेस के 1 और अन्य के 0 पोलिंग सेंटर्स हैं। अब उन पोलिंग सेंटर्स की बात करते हैं जिनमें पार्टियों के बीच फाइट है, यानी कि बी ग्रेड के पोलिंग सेंटर। यहाँ बीजेपी के 11, कांग्रेस के 11, अन्य के 0 पोलिंग सेंटर हैं। लूजिंग यानी कि सी ग्रेड में बीजेपी के 1, कांग्रेस के 11 और अन्य के 1 पोलिंग सेंटर्स हैं। डी ग्रेड यानी कि डेंजरस जोन में बीजेपी के 5, कांग्रेस के 11 और अन्य के 28 पोलिंग सेंटर हैं। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं नाम आपको बताने जा रही हूँ, आने वाले दिनों में उन्हीं में से एक आपका विधायक बनने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इस बार के चुनावी उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी से इस बार वर्तमान विधायक अनीता भदेल का नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा भाजपा से ब्रजलता हाड़ा भी इस बार बीजेपी से टिकट की मांग कर रही हैं। बात करें कांग्रेस की, तो इस बार हेमंत भाटी को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। हम मई में फिर से राजस्थान का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके सवाल आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? अगर मुख्यमंत्री आपकी पसंद का बनने की उम्मीद नहीं हो, तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो, तब भी क्या आप अपनी ही पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? इन सवालों के जवाब की रिपोर्ट हम आपको मई के अंत तक दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सभी सवालों के जवाब लिखकर भेज सकते हैं। आप इन सवालों के जवाब के साथ साथ अपने गांव या विधानसभा की कोई भी जानकारी या समस्या भी हमें भेज सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्द लेकर आऊँगी एक और नई विधानसभा। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।